अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जवाहर रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम दो सना हर अबुल इज़्ज़त की दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एरीज़ वीकली हॉरोस्कोप 26 मई टू 1 जून, आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा? एरीज़, इस हफ्ते में मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके कैरियर, आपके रोज़गार के ऊपर क्या इम्पेक्ट आने जा रहे हैं। सियारगन ने जो मूव ली है वो आपके फाइनेंशियल मामला पे, आपके कैरियर, आपके रोज़गार, आपके शराकती अजदवाजी मामला और बिलखसूस आपकी फाइनेंस और आपके जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट इसके जो है वो आने जा रहे हैं। प्लैनेट्स बड़ी अच्छी मूवमेंट जो है वो ले चुके और मज़ीद एक जो नज़र इस पर बनने जा रही है इस हफ्ते में, वो भी आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही फ्रूटफुल जो है वो साबित होगी। तो एरिस, आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि मरकरी और सैटर्न की जो है वो एक बेहतरीन नज़र, जिसको कि हम सेक्सटाइल भी कहते हैं, तस्दीस कहते हैं हम इसको उर्दू में, ये बनने जा रही है। सैटर्न आपके जायचे के 12वें घर में मौजूद ही है, आपको लाशौरी तौर पर प्रैक्टिकल होने की तरफ जो है वो माइल करेगा। और मरकरी जो है वो आपको डिसीजन मेकिंग, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका, कोई एग्रीमेंट या कोई ऐसा डिसीजन जिसको लेके के आप अपने कैरियर, अपने रोज़गार में जो है वो अचीवमेंट हासिल कर सकें, या एक नई पॉलिसी की तरफ जो है आपको प्रैक्टिकल मूव होने की तरफ जो है ये लेके जाएगी ये नज़र, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित जो है वो होगी। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अहम है कि सैटर्न आपके 10वें घर का लॉर्ड है, 12वें घर में है, तो फ़ौरन से आपको बहुत कुछ जो है वो मिल सकता है। बहन भाई, अजीज़ो कारब आपके इस हवाले से वो हेल्प कर सकते हैं, आपका कोई दोस्त भी आपको फ़ौरन से कुछ डेवलपमेंट्स जो है वो लेके देने में कामयाब जो है वो हो सकता है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये 11वें घर का लॉर्ड होते हुए 12वें घर में है, तो दोस्तों के साथ डील करते हुए आपको बहुत ही मोहतात रहने की भी ज़रूरत होगी। दूसरी तरफ खाना माल में मरकरी और जुपिटर दोनों की मौजूदगी नई पॉलिसीज़ पे आपको जो है वो लेके जाएगी, और जुपिटर यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मामलात में एक्सपेंशन देता हुआ नज़र आता है, और इसका तल्लुक भी नामे 12वें घर से है, तो बैरून मुल्क सफ़र या सफ़र आपके लिए वसीला सफ़र साबित होगा, और आपका 12वां घर इसमें इन्वॉल्व हो गया, तो फिर एक बार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेन लैंड जो है वो इसमें डेफिनेटली इन्वॉल्व होगी। इसकी इन्वॉल्वमेंट से आपको बहुत कुछ जो है वो गेन होने जा रहा है। सो ये मामला आपका फाइनेंस वाला भी बहुत ही अच्छी तरफ जो है वो चला गया। फाइनेंस का लॉर्ड वीनस भी जायचे के 3रे घर में मौजूद, तो ये बताता है कि आपको अपनी एफर्ट्स जो है उसका बेहतरीन समर इंशाल्लाह जो है वो मिल सकेगा। जुपिटर भी इसी हफ्ते में जो है, मैंने जैसे कि बताया था आपको कि जुपिटर भी जो है वो आपके जायचे के 3रे घर में जो है वो आ जाएगा, तो इसके भी 3रे घर में आने से आपको ज़्यादा बेहतरी जो मिलेगी, आपकी एक्सपेंशन, आपके काम में आपकी जो नई एफर्ट्स हैं उसमें आपको खैर बरकत भी मिलेगी, तरक्की भी मिलेगी। बहन भाई, इस जो कारोबार के साथ रिलेशनशिप बेहतर होगा, नए एग्रीमेंट्स आपके जो है वो कंप्लीट हो सकते हैं। इसके अलावा सोशली जुकारब के साथ कन्वर्सेशन भी होगी, अपने बहन भाइयों के साथ भी होगी, रिलेशनशिप के मामला बहुत ही ज़बरदस्त साइड पे जो है वो जाते नज़र आते हैं। हमारे वो बहन भाई जो के फॉरेन लैंड में मुकीम है, ये माइट के अपने कुछ हिजरत का अब अगले दिनों में जो है कुछ प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं, तो मजमू तौर पे ये आपके लिए एक अच्छा टाइम है जिसकी के इब्तदा हो चुकी। वीनस चूँकि 7वें घर का भी लॉर्ड है, और ये अगर 3रे घर में आ गए तो इसका मतलब कि शादी के हवाले से आपकी कोई कन्वर्सेशन जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी, और 5वें घर का लॉर्ड सन भी इसके साथ, तो इसका मतलब बिल्कुल वाजे कि आप अपनी पसंद की शादी के लिए जो है वो कोशिशें का आगाज़ करेंगे और इसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। एट द वन गो में आपका फोकस जहाँ पे अपनी बहन भाइयों, अजीज़ो कारब के साथ रिलेशनशिप की तरफ होगा, वहीं पे आपका फोकस अपने शादी अजवाजी मामलात की तरफ ही, आपकी शादी के और अपने रिलेशनशिप के मामलात की तरफ भी होगा। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका शरीक या चाहे वो मेल है फीमेल है, वो भी आपको इस मामले में अच्छी हेल्प जो है वो मुझे करता हुआ नज़र आ रहे हैं। सो ये तमाम मामलात आपके जो है वो बहुत अच्छी साइड पर मूव जो है वो हो रहे हैं, अगले दिनों में आपको इसके बेहतरीन फवाद जो है वो मिल सकेंगे। सन जब भी याद रखें, जिस भी पोर्शन की तरफ आता है वहाँ पे आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो नज़दीकी सफ़र, नए एग्रीमेंट्स, आपकी स्पीच, इसमें बड़ी बोल्डनेस होगी, ब्रेवनेस होगी, लेकिन उसके साथ शाइस्तगी और हलाइमत का आंसर भी रहेगा, क्योंकि जुपिटर और वीनस भी यहीं पर जो है वो मौजूद होंगे, तो मामला हर तरीके से वो जो है वो इस हफ्ते आपकी फेवर में जाते मुझे नज़र आते हैं। आपके लिए बेहतरीन स्टोन जो है ये मरजान है, इसके अलावा सुर्ख अकीक जो है पहनना वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, ये दोनों स्टोन आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त फेवर दे सकते हैं। बेहतरीन जम्पसूट के लिए आप हमारी वेबसाइट
javajam.com विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी जो कलेक्शन मिल सके, या आप व्हाट्सएप नंबर पे जो आ रहा होता है स्क्रीन पे लिए, ख़ास तौर पे यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर होता है जो सिर्फ आपके लिए जेमस्टोन के लिए, उस पर रब्ता कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो दी, जुपिटर चूँकि 13 महीने के लिए आया है आपके जायचे के तीसरे घर में, और ये आपके नामे और 12वें घर का लॉर्ड है, मैंने 12 के 12 जॉडिक साइन को दी और आपके लिए भी दी, बहुत इन्फॉर्मेटिव अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग उसको देख चुके। आपको इसको वीडियो को ज़रूर देख लेना चाहिए, यहाँ पे मैं उसका जो है वो दे दूँगा, उसका लिंक भी आपको दे दूँगा, और आपको उसकी बाकी चीज़ें भी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा आपको। देखें, ये आपको अगले 13 महीने की प्लान करने का जो मौका देगा, आप अपनी अलाइनमेंट एक बना सकते हैं, एक रोड मैप जो है वो बना सकते हैं कि आपको अगले 13 महीने जो है वो किस तरीके से जो है वो चलाना है, स्पेशली वो लोग जो कि फॉरेन जाना चाहते हैं, जो फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, जो हायर एजुकेशन स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर वो भी लोग जो कि ज़ियारत मुकद्दसा के लिए या उमरा हज की सआदत हासिल करना चाहते हैं, आपके लिए भी कुछ चीज़ों को जो है वो संभल कर लेना, कुछ डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर लेना, ये आपके लिए इस वक्त बड़ा ही फ्रूटफुल जो है वो साबित हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आपके पास यहाँ पे लिंक जो है वो आ रहा है, आप उसके थ्रू इस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं, और अगर कोई जनरल क्वेश्चन हो तो आप हमेशा की तरह जो है वो इसमें कर सकते हैं। चैनल पे दोबारा आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर पुश कर लीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़। टॉरस, टॉरियन, उम्मीद करता हूँ बफ़ज़्ले ताला आप खैरियत से होंगे। टॉरस, आपके लिए ये हफ़्ता जो है बहुत कुछ है वो लेके आ रहा है, कैरियर रोज़गार के हवाले से मामलात, आपके बैरून मुल्क सफ़र, सुसाली जो कारब के साथ रिलेशनशिप, हायर एजुकेशन और ज़ियारत मुकद्दसा या उमरा की सआदत, और फिर अब तो हज का सीज़न जो है, फ़्लाइट्स जाना शुरू हो गई, तो बहुत सारे लोग को ये खुशखबरी जो है वो भी मिल रही होगी। गोल्स आपके अचीव हो सकेंगे, इज़्ज़त वक़ार में जो है वो बहुत इजाफा होगा, फाइनेंसिस पे ऊपर आपका पूरा फोकस रहेगा और आप उसको जो है वो अलाइनमेंट की तरफ लेके जाने लगे हैं। नई जॉब का हसूल भी अब आपके लिए जो है वो मुमकिन होगा, लव लाइफ में बेटरमेंट आएगी, ये सब चीज़ें इस हफ्ते में जो है वो आपको जो है वो मिल रही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी एक बात बताता चलूँ, जुपिटर के ऊपर हमने एक वीडियो की, जुपिटर इन जेमिनी जो कि इस हफ्ते से जो है वो हो चुका होगा और आपको उसके सम्राट मिलने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त वीडियो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फीडबैक बहुत अच्छा आया, बहुत सारे लोगों ने उसको जो है पसंद भी किया, आप भी उसको ज़रूर देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखा। और इसके बाद एक जुपिटर पे ही आपको एक और वीडियो दी जा रही है जिसमें ख़ास तौर पे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इस टेन्योर में जो कि 13 महीने का है, इसमें आप कैसे इससे बेहतरीन फ़ायदा ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल हवाले से मैंने बता दिया, आप जैसे एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी हूँ, एक जेम थेरापिस्ट भी, तो अब आपको एक डिफरेंट एंगल से एक और वीडियो इंशाल्लाह मिलने वाली है। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले की तरह ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव इंशाल्लाह साबित होगी। तो सबसे पहले आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जो है वो दूसरे घर में मौजूद है, सन भी साथ मौजूद है, आपका पूरा फोकस, पूरे का पूरा फोकस आपका अपनी फाइनेंसिस के ऊपर है कि आपने अपनी फाइनेंस मैनेजमेंट किस तरह करनी है, किस तरीके से आप जो है वो अपनी फाइनेंसिस को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से आप इन मामलों को लेकर चल। कई एक लोगों को जो है वो कुछ अखराजात में तेज़ी का सामना अपने बच्चों के हवाले से होगा, और कई एक लोग जो है वो इसी टेन्योर में जो कि वीनस का जो है वो चल रहा है आपके जेमिनी में, इस टेन्योर में एक से जायद कामों से जो है बहुत सारी इनकम जो है वो भी ले सकेंगे। आपका विजडम बहुत अच्छा होगा, कई एक लोग ऐसे भी होंगे जो कि स्केल 12 से 14 की एजुकेशन ले चुके और अब वो प्रैक्टिकल लाइफ में मूव करेंगे और सबसे पहला उनका गोल जो है वो जैसे घर एक बंदे होगा कि भाई पैसे कैसे बना सकें, किस तरह हम अपनी ज़रूरियात को जो है वो पूरा कर सकें। कुछ आपका फोकस ख़वातीन का, स्पेशली टोरियन ख़वातीन का मैंने स्पेशली कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेल हज़रात का नहीं होगा, मेल फीमेल दोनों का जो है वो अपनी ज़ात के ऊपर होगा, अपने लिबास के ऊपर होगा, खुशबू के ऊपर अपनी और अपनी ज़ारी वाज़ा कताब के ऊपर भी आप कुछ अखराजात जो है मुझे करते नज़र आते हैं जो कि इंशाल्लाह आपके लिए बड़े ही मुनासिब रहेंगे। ताले में जुपिटर मौजूद है, नए आइडियाज़ जो हैं, सॉरी मरकरी मौजूद है, नए आइडियाज़ और वो भी फाइनेंस से मुतल्लिक आपके पास आ रहे होंगे और आप अपनी एक बैलेंस शीट जो है उसको बनाने की तरफ मतवज्जो होंगे। दूसरी तरफ चौथे घर का हाकिम अगर दूसरे घर में सन, तो ये सन की वजह से पेरेंट्स से फैमिली से आपको जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती मुझे नज़र आती है,
جہاں سے آپ گھر سواری پراپرٹی کی تبدیلی یا خرید و فروخت کے معاملات جو ہیں کوئی نئی بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فیملی کی سپورٹ ملے گی, اور آپ اس کے لیے مائٹ کے ابھی بائی کر لیں یا اس کے لیے آپ اپنی فائنینسز کو اکومولیٹ جو ہے وہ کر رہے ہوں گے. لو لائف کی طرف توجہ رہے گی, آپ کے بچے آپ کو لیے بڑی ایک سپورٹ ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ کے بڑے بچے ہیں تو. یہ اس وقت آپ کے ساتھ مشاورت میں ہوں گے, آپ کے جسی بھی کام میں آپ مشاورت چاہ رہے ہوں گے اس میں بہترین مشاورت آپ کو جو ہے وہ اپنے بچوں کی جانب سے جو ہے وہ مل سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا اسکیل 12 سے 14 کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی نیا فیصلہ بھی جو ہے وہ بھی متوقع ہے. تھوڑے دنوں میں پھر مرکری آ جائے گا آپ کے خانہ مال میں, تو یہ ایک اور آپ کے لیے پلس پوائنٹ جو ہے وہ ہو جائے گا. دوسری طرف آپ کی جاب سے متعلقہ معاملات بہت اچھے ہیں, ڈیلی روٹینز آپ کی بہت اچھی ہوں گی, ساتھ کام کرنے والے بھرپور اس ہفتے جو ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے نظر آ رہے ہیں, اور آپ کسی ایسی جاب کے اصول میں جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں جس سے کہ آپ کی فائنینشیل معاملات جو ہے وہ بہتر ہو. آپ پہلے سے زیادہ بیوٹیفل صرف اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ کی فائنینسز جو ہیں, آپ کی فائنینس یہ آپ کو اس مہینے میں اتنی بار جو ہے وہ آپ کا فوکس اس کے اوپر لے کے آئے گا کہ ایسا لگے گا کہ آپ کو شاید کوئی اور کام ہی نہیں, فائنینس ہو جائے وہ مین آپ کا فوکس ہے مجھے نظر آ رہا ہے. بہرحال اچھی جاب کا اصول آپ کے لیے ممکن ہو سکتا ہے. اس ہفتے میں اس کی ابتدا سے ہی مرکری اور سیٹرن کی ایک بہت اچھی نظر بنے گی. مرکری فرسٹ ہاؤس میں, سیٹرن 11ویں میں. آپ نے اپنے کیریئر روزگار کے حوالے سے جو گول سیٹ کیے ہوئے تھے اس کے اوپر پریکٹیکلی آپ جو ہے وہ عمل درآمد کر سکیں گے. نئے جو انویسٹمنٹ کے ایریاز ہیں وہ آپ کے لیے کھلتے مجھے نظر آتے ہیں, اور آپ اس کے اوپر بہترین ڈیسیجن جو ہے وہ لے سکتے ہیں اپنے کیریئر اپنے روزگار کے حوالے سے یہ ہوگا. اور اگر آپ امپلائی ہیں تو آپ کے سینئر کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے ہوں گے, کمیونیکیشن آپ کی جو ہے وہ مجھے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. اسی طرح بیرون ملک سفر کے معاملات بھی آپ کے جو ہیں کھل رہے ہیں. آپ کوئی کورس اپنی ایجوکیشن کو مزید اپ گریڈ کرنے کے لیے جو ہے کوئی کورس بھی آپ اس وقت سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی خواہشات کی تکمیل میں آپ کے کچھ سالی عزیز و اقارب جو اسپیشلی جو ایج کے بڑے لوگ ہیں وہ آپ کو یہاں پہ بڑا ہی فائدہ دیتے نظر آتے ہیں. ٹھیک اسی طرح آپ کے والد بھی بڑے ڈٹرمنٹ مجھے نظر آتے ہیں کہ جو کہ آپ کی خواہشات کی تکمیل میں آپ کے لیے بھرپور جو ہے وہ تعاون فراہم کر رہے ہیں. جیسے کہ میں ہر بار کہتا ہوں آپ کے لیے بہترین سٹون جو ہے وہ یا وائٹ ٹوپاز ہے یا بلیو ٹوپاز آپ پہن سکتے ہیں, اس کے علاوہ ڈائمنڈ یا موزونائٹ. ڈائمنڈ کے لیے میں اسپیشلی کہتا ہوں کہ آپ کو انڈیویجول ہوروسکوپ اپنا ضرور دیکھ لینا چاہیے پھر پہنے, چونکہ یہ ایک بہت ہی ہارڈ سٹون ہے تو اس کا اگر ریئیکٹ آ جائے انڈیویجول کی وجہ سے تو پھر وہ بڑا ہارڈ آتا ہے. موزونائٹ پہن سکتے ہیں, باقی چیزیں آپ جو ہے وہ بھی پہن سکتے ہیں. بہترین جم سون کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ jawajam.com وزٹ کر سکتے ہیں, یا بہت آسانی کے لیے یہاں پہ ایک نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے اسکرین پہ, اس کے اوپر رابطہ کر کے آپ اپنے لیے سٹون جو ہے وہ سجیسٹ کروا سکتے ہیں. یہ جنرل ہے, انڈیویجول اگر اپنے لیے کمپلیٹ سٹون ریمیڈیز لینا چاہیں یا کمپلیٹ آپ جو ہے وہ اپنے ہوروسکوپ کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہیں, کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہیں تو آپ واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے لیے اپائنٹمنٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ونس اگین کہوں گا دو ویڈیوز آپ کے لیے بہت زبردست جو ہیں وہ ہیں, ایک آ چکی ہے اور ایک آنے والی ہے. تو آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجئے تاکہ آپ کو بر وقت تمام ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں. جیمنائز آپ کا یہ ہفتہ 26 مئی سے لے کے 1 جون تک کا, امید کرتا ہوں آپ بہت جو ہے وہ خوش ہوں گے, بیکاز کہ میں نے ابھی لاسٹ ویک کی جو ویڈیو تھی اس میں بھی بتایا تھا, اور پھر ایک اسپیشل ویڈیو آپ کے لیے تو بہت ہی اسپیشل تھی چونکہ جوپیٹر جو ہے وہ آپ کے زائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آ چکا ہے. جوپیٹر کا پہلے گھر میں آنا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وزڈم کے دروازے آپ کے لیے جو ہے وہ کھلنے لگے ہیں. آپ نے جو کچھ پچھلے دنوں میں اسپرچویلٹی کے حوالے سے سیکھا ہے اور جو آپ نے کیریئر روزگار کے حوالے سے آپ نے دباؤ برداشت کیا, اب وہ سب کچھ جو ہے وہ ایک اگلی جو ہے وہ راؤنڈ اپ میں چلا گیا. جوپیٹر جیسے ہی فرسٹ ہاؤس میں آیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے شادی ازدواجی معاملات میں جو ہے بہتری لے گئے گا, شادی ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھا دے گا, شراکت داری کے امکانات بہت زیادہ بڑھا دے گا. اس کے علاوہ کیریئر روزگار میں آپ کو ترقی ملے گی, آپ کے والد سے آپ کو بینیفٹ ملیں گے, آپ کے اساتذہ سے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس جو ہیں وہ مل سکیں گے. جو کچھ آپ نے پچھلے دنوں میں جوپیٹر کے 12ویں گھر میں ہونے سے سارا کچھ اپنے بیک اینڈ مائنڈ پہ جو کچھ بھی آپ نے کیا الائنمنٹ کی جو آئیڈیاز جو آپ نے سوچا
अब उसको एग्जीक्यूट करने का वक्त जो है वो आपके पास आ चुका है। और ये आपके कैरियर रोज़गार से मुतल्लिक है, तो इसका मतलब ये है कि आप मुलाजिम पेशा हों, आप अपना बिजनेस करते हो, दोनों सूरतों में इंशाल्लाह इंशाल्लाह तरक्की और कामयाबियाँ जो है वो आपके कदम झुकती मुझे नज़र आती है। दूसरी तरफ सन यहीं पे है, तो आपकी शख्सियत में एक बोल्डनेस, एक ब्रेवनेस और एक आला खसूसियात जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी होंगी। बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, जो आपके रिलेशनशिप के लोग हैं, करीबी रिलेशन के लोग, और स्पेशली ऐसे लोग जो कि आपकी एज से बड़े हैं, जो कि आपके वालिद की एज के हैं, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेट हैं, ये जो माशरे में और बहुत अच्छी नेम फेम जो रखते हैं, उनसे भी आपको जो है वो इंशाल्लाह इज़्ज़त वक़ार जो है मिलेगी। अच्छी मशावरत का आपको यहाँ से मौका मिल सकता है। इनके मशावरत को आपने जो है वो बड़ी इस वक्त गौर से रखना है, क्योंकि ये आपके फर्स्ट हाउस में है। अच्छा, फिर वीनस यहाँ पे आ चुका है। वीनस 12वें घर से आया है, 12वें घर का भी लॉर्ड है और आपके 5वें घर का भी लॉर्ड, दो जगह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। वही जो आपके लाशोर में चीज़ें थी, जो मामला थे, वो अब जो है वो आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। फ़ौरन से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फ़ौरन की जो आपकी डील्स जो रुकी हुई थी, वो भी अब जो है वो इंशाल्लाह तय पा सकेंगी। आपकी पर्सनैलिटी में एक चार्मिंग, एक खूबसूरती जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अगले दिनों में आप देखेंगे आपका बहुत ज़्यादा फोकस अपनी गुफ्तगू पे, अपने अतवार पे, अपनी सोल को बेहतर करने के वाले से, लोगों से मेल मिलाप के हवाले से ये बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ता हुआ मुझे नज़र आया है, और आप भी इसका मुशाहिदा इंशाल्लाह कर सकें। एक और बड़ी खूबसूरत चीज़, वो जेमिनाइज जो कि मंगनी जैसे मामलात के लिए जो है वो इंतज़ार में थे, तो आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है। इस वक्त आपका सितारा बड़ा ही अरूज पे, और अगले दिनों में मरकरी ने भी यहीं पे आ जाना है, लेकिन वीनस फर्स्ट हाउस में आ जाए तो ये समझिए कि आपकी पर्सनैलिटी में एक मैग्नेट लग गया, लोग आपकी तरफ खींचे जो है वो चले आ रहे होते हैं। 5वें घर का लॉर्ड है, तो लव लाइफ में भी बेटरमेंट जो है वो हो सकती है। एन मुमकिन है कोई आपसे अगर नाराज़ हो गया था तो दोबारा आपकी तरफ जो है उसका रुजू भी हो सकता है, और कोई नया भी आपकी लाइफ में जो है वो आ सकता है। अब यहाँ पे 5वें घर का लॉर्ड अगर ये है, तो आपके जेहन में डेफिनेटली कुछ ऐसे आइडियाज़ भी फ्लोट कर रहे होंगे, जिससे आप एक से ज़ायद कामों में अपने लिए जो है वो बेनिफिट ले सकें, और इस हवाले से आपके बच्चे जो है वो आपको बहुत अच्छा जो है वो आइडियाज़ दे सकते हैं। आप कोई अगर ऑनलाइन काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक बेहतरीन टाइम है, जबकि आप इसको प्लान कर सकते हैं, जब आप इसको के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो कि स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि अभी सिर्फ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लें, आपके लिए माहौल साजगार हो रहा है, लेकिन मरकरी 12वें घर में आपको थोड़ा सा जो है वो डावाडोल रखेगा, डाउटफुल रखेगा। इसके फर्स्ट हाउस में आने से आप एक पुख्ता फैसले पे पहुँच जाएंगे, और ये वो वक्त होगा जब वीनस और मरकरी दोनों ही और जुपिटर यहाँ पे मौजूद होंगे, बल्कि सन भी यहीं पे मौजूद होगा, तो आप ये समझ लें कि एक बंच जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में आपकी पर्सनैलिटी, आपके फैसले बड़े ही साहिब होंगे। बहुत कुछ परवरदिगार के फजल से जो है वो आप डिस्कवर कर सकेंगे। अकोमोडिटी में आपको बेनिफिट्स मिल सकता है, इनामी स्कीमों की तरफ पार्टिसिपेशन करना आपके लिए जो है बहुत अच्छा होगा। आप नॉलेज जो आपने गेन किया है पीछे, जो कुछ आपके विजडम में चल रहा है, अब आप उसको प्रैक्टिकली जो है उसको इम्प्लीमेंट करते नजर आते हैं। इस हफ्ते में आपकी मेल मुलाकात बहुत सारे लोगों से रवाबित आपके टेलीफोनिक और जिस भी जरिए से, जो भी मीडियम्स इस वक्त हमारे चल रहे हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा अपने रवाबित में एक्सपेंशन इंशाल्लाह जो है वो नज़र आएगी। हेल्थ मैटर्स, जॉब से मुतल्लिका मैटर्स जो पिछले हफ्ते बड़े ख़राब थे, अब काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे, ये मामला भी आपका जो बेहतर हो गया। शादी तय पाने के इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन होंगे। 7वें घर का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में आए, तो इट्स मीन कि आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, अगर आपका शादीशुदा है, तो उसकी बहुत ज़्यादा फोकस आपकी तरफ होगा। इसके अलावा अगर आप शरीके कारोबार है कोई भी आपका, और आप जॉइंट एडवेंचर में काम करें, तो यहाँ भी आपको इज्जत वकार मिलेगा, आपको लीडिंग रोल जो है वो प्ले करने का इंशाल्लाह जो है वो मौका मिल रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि आपकी मंगनी शादी दोनों तय पाने के इम्कान रोशन है, बल्कि यहाँ पे तो पसंद की शादी तय पाने के इम्कान, मंगनी शादी दोनों तय पाने के इम्कान बहुत रोशन है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा, मैं आज फिर कहूँगा, अगर आपकी एज 25 प्लस हो चुकी है और आपकी शादी अभी तक नहीं हो रही, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि आपको डेफिनेटली अपना बर्थ चार्ट ज़रूर चेक करवाना चाहिए, ताकि ये जो टाइम आ गया है इसको आप कहीं ज़ाया ना करें, ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे हमारे पास एक एयर कंडीशनर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, सारा कुछ है, लेकिन अगर उसका कंडेंसर लीक है या कहीं से पाइप लीक है,
तो कूलिंग हमारे तक नहीं आएगी, मीटर चल रहा है, एसी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो बेहतर होगा ऐसी सूरत में अपने जायचे की तरफ जाइए, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त एक और चीज़ बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है और वो है येलो सफ़ायर। येलो सफ़ायर इस वक्त आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वो साबित हो सकता है, स्पेशली उनके लिए जिनकी शादियाँ तय पाना मत हो गए या जिनके अपने शरीक हयात के साथ रिलेशनशिप में कुछ थोड़ी सी भी कुछ कजदाइयाँ हैं, कुछ थोड़ा सा गैप है आपके मबैन, तो येलो सफ़ायर आपको यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स जो है वो दे सकता है। एक वीडियो मैंने जुपिटर के ऊपर आपको ऑलरेडी दे दी है, मेरे चैनल पे मौजूद है, यहाँ पे ऊपर भी आपको उसका थंबनेल जो है वो नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो मैं आपको मज़ीद देने जा रहा हूँ जुपिटर पे ही, और मेरा ख्याल है कि इस तरह की वीडियो अभी तक आपको किसी ने भी नहीं दी होगी, चूँकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट, एक जेम थेरेपिस्ट, तो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी के हवाले से जो है उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ बता दी जुपिटर की, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सुन भी ली, बहुत सारी दुआएं भी, आपका बेहद मशकूर। लेकिन अब मैं आपको एक दूसरे एंगल से भी ये जो है बताऊँगा कि इस टाइम से, इस बेहतरीन टाइम से जो कि 13 महीने का है, आप किस तरह से फ़ायदा जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। आपके करियर रोज़गार के मामले बहुत अच्छे हैं और मरकरी के साथ इस बार, इस हफ्ते में, इसकी बिगनिंग में ही एक सेक्सटाइल बनेगी सैटर्न की, जो कि आपको स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, जो कि आपके करियर रोज़गार के हवाले से, बिजनेस के हवाले से नए आइडियाज़ से रूसनास करवाएगा और आप उसके ऊपर काम कर सकेंगे। बैकेंड माइंड पर भी आप करेंगे और उसके बाद चंद दिन बाद आप उसके ऊपर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जाएंगे, चूँकि सैटर्न प्रैक्टिकल का है और जो मरकरी जो है ये आपकी आइडियाज़ हैं, ये आपकी जिसको हम कहते हैं मेंटल एबिलिटीज़ हैं, आपकी मेंटल पावर्स हैं, तो उसको जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास जो आइडियाज़ होंगे आप उसको बैलेंस करेंगे, उसकी कमी बेशियाँ बैलेंस करेंगे, और जैसे ही मरकरी नेक्स्ट वीक में जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो आप उसको जो है वो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जो है वो ले जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, घर सवारी, प्रॉपर्टी की तब्दीली और ख़रीद फरोख्त में अभी आपको थोड़े से दिन जो है वो इंतज़ार करना है अनटिल के मरकरी बारहवें से निकल के फर्स्ट हाउस में ना आ जाए, जो कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो है वो आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अगले दिनों में बहुत कुछ जो वो तब्दील होने जा रहा है, पॉजिटिव होने जा रहा है आपके लिए, हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो सब खबरें भी मिलती रहेंगी। तो आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आपको तमाम वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। मैंने आपको यहाँ पे येलो सफ़ायर बताया, मैं एक स्टोन, दो स्टोन और आपको रिकमेंड करूँगा जो आप अफोर्डेबल तरीके से जो है वो ले सकेंगे, और वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़। कैंसर, कैंसरियन, उम्मीद करता हूँ फ़ज़ल ताला आप खैरियत से होंगे। ये हफ़्ता आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है, कुछ चीज़ें एहतियात तलब हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके 100% जो है वो फ़ायदे में जाएंगी। ये ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत रंग है कि एक ही चीज़ किसी के लिए बहुत अच्छी होती है और किसी के लिए जो है वो वही चीज़ प्रॉब्लमेटिक भी साबित होती है। जैसे बारिश अक्सर ऐसा होता है कि एक फसल के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है और दूसरे लोग गर्मी से जो है वो उसके लिए बड़ी ख्वाहिश रखते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए कुछ मिली जुली होने लगी। आपको कैंसरियन ख़ास तौर पे कहूँगा कि कुछ मामलों में आपको एहतियात करनी है, मेरी वीडियो को गौर से आज सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा ताकि आने वाले वक्त को आप अपने लिए बेहतरीन और फ्रूटफुल जो बना सकें। देखिए, मैंने एक वीडियो की अभी चंद दिन पहले जुपिटर के ऊपर, मैंने लास्ट वीक की वीडियो में भी बताया था कि जुपिटर जो है वो आने लगे आपके जायचे के 12वें घर में। इसके कुछ आपको फ़वाद भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे। फ़वाद ज़्यादा हैं बेशक बिलाशुबा, लेकिन नुकसान पे भी हमें जो है वो फोकस करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें जो है मैं आपके गोश गुजार करूँगा और वो वीडियो मैंने जो है वो अपलोड हो चुकी भी है, आप मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आपको उसको आई बटन में भी नज़र आएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो के एंड पे जो है उसका लिंक मिल जाएगा, आप सिर्फ एक क्लिक से उस वीडियो को जो है देख सकेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि 13 महीने का एक मैटर है जो कि मैं उसमें डिस्कस करने लगा हूँ, और फिर एक वीडियो और मैं आपको दूंगा उसके बारे में, मैं बिल्कुल इस वीडियो के एंड पे आपको बताऊँगा। अब हम स्टार्ट करते हैं जो तब्दीलियां आ रही हैं आपके जायचे में, उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो आपको इस वक्त जो है वो कुछ फियर फैक्टर होगा अपनी फाइनेंसिस के हवाले से। तो ये आपको इसमें घबराए नहीं, ये आपको कुछ डीप थॉट्स में लेके जाएगा, कुछ मामलात को जो है वो आपके दिमाग में इसको जो है वो रिसाइकल करेगा और आप एक, जिसको कहते हैं ना कभी कभी नया जेवर ढालने के लिए,
तो नया जेवर बनाने के लिए सोने को जो है वो बिल्कुल आग में से गुजरना पड़ता है और तपना पड़ता है, पिघल जाता है, लेकिन उसके बाद एक खूबसूरत जेवर की शक्ल में जो है वो बाहर आता है। तो एग्जैक्टली आपके साथ भी यही कुछ होगा, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर ये हैं कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर की किसी पॉलिसीज़ का वॉलेशन नहीं करना, आपको कानून का बिल्कुल बाकायदा एहतराम करना, नहीं तो आपके अगेंस्ट कोई जो है वो इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगी और फिर आपको जो है वो कोई पनिशमेंट वाला मामला जो है खुदा नखास्ता आपके साथ हो सकता है। तो इस मामले में आपने बहुत ही ख्याल करना, कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपको जो है वो मिल सकता है, बल्कि मैं ये कहूँगा जुपिटर की पोजिशन को भी और सन को भी देखते हुए कि आपको इस वक्त बैरून मुल्क सफ़र की राहें आपकी खुल चुकी हैं। ये सफ़र आप इमिग्रेशन के हसूल के लिए करना चाहें, ये सफ़र आप एजुकेशन के लिए करना चाहें, ये सफ़र आप इंटरटेनमेंट के लिए करना चाहें, ये सफ़र आप जो है वो ज़ियारत मुकद्दसा के लिए करना चाहें, ये सफ़र आप उम्रा की हज की सआदत के हासिल करने के लिए करना चाहें, तो राहें आपके लिए बिल्कुल जो है वो ओपन है। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि अब आप बहुत ज़्यादा जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ माइल होंगे, आपको कोई बेहतरीन उस्ताद जो है वो मिलेगा, कोई टीचर, कोई ऐसा मजहबी स्कॉलर या कोई मजहबी पेशवा जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। अगले 13 महीने ही आपके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो गेम चेंजर साबित हो सके। फाइनेंसिस थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, हाँ वालिद से भी आपको कुछ थोड़ा सा जो है उनके साथ भी कुछ क्लैश या कुछ मामला थे उनकी वजह से कुछ ज़हनी दबाव आ सकता है, लेकिन ये भी मैं आपको बताऊँ कि ये टेम्परेरी है। हमारी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं ये प्लैनेट्स उनके ऊपर इम्पेक्ट डालते हैं, हमारे लिए हर चीज़ हर वक्त बेहतर नहीं होती। जैसे कि मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ टाइम के बाद इसी महीने में जून के महीने में जो है आप देखेंगे कि आप ये मामला जो है वो वही पर्सनैलिटी जो इस वक्त आपके अगेंस्ट है वही पर्सनैलिटी आपके हक में होगी, ये कानून कुदरत है। सो मामला को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलिए और हर इतवार को 1 किलो गंदम या दाल चने का सदका देना अपना मामूल बनाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा रोज़ाना एक तस्बीह या हयो या कयूम की ये लाजमी कीजिए। और रिज्क के मामले में बहुत सारी तस्बीहात मैं बता चुका हूँ, अभी भी कहूँगा कि रिज्क के मामले में कोई भी एक तस्बीह उनमें से जो है वो आप पढ़ना डेली फजर में जो है वो स्टार्ट कीजिए। और मैंने अभी बात की थी कि मैं एक और वीडियो दे रहा हूँ, उस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल रेमेडीज़ जो है वो लेके आ रहा हूँ, तमाम जितने भी जोडिक साइन है तमाम के तमाम के लिए वो वीडियो जो है वो आपके लिए आ रही है, और साथ में आपको जेम थेरेपीज भी जो है वो इंशाल्लाह बताई जाएंगी आपके लिए। हमेशा मैं कहता हूँ पर्ल वेयर करें, रूबी वेयर करें, लेकिन इस वक्त मैं आपको रूबी से थोड़ा सा कहूँगा कि अगर आपने पहना हुआ है तो इसको उतार दीजिए, इस वक्त आपके लिए रूबी पहनना जो है वो बेहतर नहीं होगा। पर्ल आप पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं, इसको ज़रूर पहनिए, और इस वक्त आपको सदके से अपनी फाइनेंशियल मामला को जो है और अपनी पावर्स को जो है वो बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहन भाई अजीज़ करब से रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, नज़दीकी सफ़र बहुत अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होंगी, आप अपनी कम्युनिकेशन और अपनी रिलेशनशिप को यूज़ करके अपने टारगेट्स को अपने गोल्स को जो है वो आप अचीव कर सकेंगे। सो ये आपके लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त टाइम जिसको मैं कह सकता हूँ कि जी स्टार्ट हो गया। अच्छा उसके बाद अगली चीज़ ये है कि इस वक्त आपको थोड़ी सी एहतियात करनी है अपनी वालदा की तरफ से, अपनी छोटी बहनों की तरफ से, इनकी तरफ से भी कुछ फैमिली की तरफ से आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, किसी मामले में थोड़ी सी रुकावट जो है वो आपके सामने आ सकती है। एहतियात कीजिए, एहतियात ही सबसे बेहतरीन जो है वो इस मामले का हल है। बच्चों के हवाले से मामले बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन स्केल 12 से 14 की बहुत अच्छी, और कई लोग कैंसर के जो है वो अब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको मैं कह सकता हूँ कि वो अपनी स्केल 12-14 से एजुकेशन के बाद जंप करेंगे और अपने कैरियर रोज़गार के ऊपर जो है वो फोकस हो जाएंगे, बहुत डिटर्मेंट होंगे, और इसके आगाज़ के लिए ये बहुत ही आइडियल टाइम है। इसके अलावा मैंने मार्च या बेरीज में आया था तो मैंने कहा था कि किसी भी काम के इनिशिएटिव के लिए उसकी बिगनिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मार्स स्टिल जो है वो एरीज में ही मूव कर रहा है, तो आपके लिए टाइम बहुत ही अच्छा। जॉब और हेल्थ इश्यूज़ ये अब आपको ख्याल करना पड़ेगा, चूंकि जुपिटर 6 का लॉर्ड होकर 12वें में गया है, तो ये मैंने स्पेशली ये बता दिया कि ये क्यों हो रहा है। अगले टाइम आपको बहुत ज़्यादा अपने मामलात को जो है वो केयर करने की ज़रूरत है, कुछ फ़ायदा भी जैसे मैंने कहा था मिलेगा और कुछ नुकसान भी, ये केयर करने की भी ज़रूरत है। आपके साथ काम करने वाले आपके अगेंस्ट प्रॉक्सीज़ में आपको इन्वॉल्व नज़र आएंगे, डेली रूटीन में आप थोड़े से लेज़ी होते मुझे नज़र आते हैं, लेकिन दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको कहीं फॉरेन लैंड में जॉब मिलने की इम्कान भी बहुत ज़्यादा रोशन होंगे। ठीक इसी तरह आपको अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी जो है फोकस रखना पड़ेगा कि आपके एम्प्लॉयज़ अब आपको कहीं कुछ चीट तो नहीं कर रहे, तो आपने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना है। शाख्ती अजवाजी मामला वरासती मामला के हवाले से बहुत अच्छी पोजिशन है, बैरून मुल्क सफ़र की राहें आपकी खुली हैं, अजवाजी ज़िंदगी आपकी जो है
वो इंशाल्लाह अगले दिनों में मज़ीद बेहतर मुझे होती हुई जो है वो नज़र आती है। और आप कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज़ को जो है वो अपनी मैरिटल लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप के मामलों में, चाहे वो शाकतदारी की हो, चाहे वो अज़वाजी ज़िंदगी हो, इसमें आप जो है वो मुझे ऐड करते हुए नज़र आते हैं। आप अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए बड़े ही डिटरमिनेंट हैं, और इसके लिए आप हर नई पॉलिसी, हर कन्वर्सेशन, हर नए जो है वो आइडिया, और चाहे वो इंटरनेट से मिल रहा हो, चाहे किसी दोस्त साहब आपसे आपको मिल, आप इसके ऊपर पूरे फोकस होकर तो काम करते मुझे नज़र आते हैं। सो ये था आपका इस हफ्ते का जो एक ओवरलुक था, मैं उम्मीद करता हूँ इसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी इस वीक की जो है वो बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा कि भी अगले दिनों में मामला किस तरह के हैं। इंडिविजुअल अगर अपने बारे में जानना चाहें तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिए। बेहतरीन जेमस्टोन के लिए हमारी वेबसाइट javajem.com या व्हाट्सएप का नंबर आपके पास आ रहा होता है, यहाँ पर रब्ता करके आप बेहतरीन स्टोन जो है अपने लिए हासिल कर सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।